आज हमने डिस्कस करना है इमोशनल ईएमएफ। देखें बेटा, जो सबसे पहली बात इमोशनल ईएमएफ के बारे में आपके माइंड में होनी चाहिए, तो बेटा ये इमोशनल ईएमएफ जो होती है ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होती है, लेकिन फर्क ये होता है कि इसके अंदर कंडक्टर जब मूव करता है तो कंडक्टर की मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसी ईएमएफ को कहा जाता है इमोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो इमोशनल ईएमएफ को आप इस तरह से लोगे बेटा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इमोशनल ईएमएफ। बेटा आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, तो इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि ये मैथ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ बेटा। किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी भी कंडक्टर की मोशन की वजह से जब उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होती है तो ऐसी ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। बेटा सपोज करें कि वही तरीका हम इस्तेमाल करते हैं जो बेटा स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमने अप्लाई किया था। सपोज करें बेटा दो कंडक्टर की इस तरह से प्लेट्स हैं हमारे पास, इस तरह से सपोज करें बेटा ये कंडक्टर की एक रॉड है और ये दूसरी कंडक्टर की रॉड है। दो कंडक्टर की रॉड्स हैं हमारे पास, जिस तरह से रेलवे ट्रैक होता है बिल्कुल उसी तरह आप इसको इमेजिन करें, और इसके अंदर बेटा इस तरह से एक बल्ब आप समझें या लोड रेजिस्टर समझें कि इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, लोड रेजिस्टर या बल्ब इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड हम रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो मैं बना रहा हूँ ये इनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, इसके पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है। अब सपोज करें बेटा इसके अंदर एक मैं कंडक्टर रखता हूँ। अब कंडक्टर का थोड़ा कलर मैं चेंज करता हूँ कि ये कंडक्टर है बेटा और इस कंडक्टर का आप कलर येलो समझें और ये समझें कि ये कंडक्टर जो है इस रॉड्स के ऊपर मूव कर सकता है। ये हमारे पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ कौन सी होती है बेटा, इसकी लेंथ है एल। अब आपको पता है बेटा कोई भी कंडक्टर जो होता है जब वो इस तरह से फ्री होता है तो उसके अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस पूरे कंडक्टर के अंदर फैले हुए होते हैं। आप सपोज करें कि ये इसके अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे इस कंडक्टर के अंदर फैले हुए हैं और ये कंडक्टर इन फ्री इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है बेटा। ठीक है, अब ये बेटा कंडक्टर अगर रेस्ट में है तो इस कंडक्टर के ऊपर इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ऐसी चार्ज के ऊपर लगती है जिस चार्ज के अंदर जो चार्ज मूव कर रही है बेटा। अब ये कंडक्टर अगर इस तरह से रेस्ट में है बेटा
तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर कोई भी नेट मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इस तरह से फ्री है और हर जगह पे मौजूद है। अब सपोज करें बेटा कि ये कंडक्टर इस तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अब अगर ये कंडक्टर इस तरफ मूव करेगा तो बेटा इसके अंदर जितनी भी चार्जेस होंगी ये सब के सब चार्जेस इस कंडक्टर के साथ मूव करने की कोशिश करेंगी बेटा। जाहिर सी बात है ये कंडक्टर का हिस्सा है, जब कंडक्टर इस तरफ मूव करेगा तो इसके अंदर जितनी भी चार्जेस है बेटा ये सब की सब जो होंगी वो इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगी बेटा। इस तरफ क्यों मूव करेंगी बेटा? इसलिए कि ये कंडक्टर जब मूव करेगा तो इसके अंदर मौजूद जितनी भी चार्जेस होंगी वो सब की सब इस तरफ मूव करेंगी। अब देखिए बेटा जब ये कंडक्टर मूव करता है तो कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है। देखिए यहाँ पे जो मैंने बेटा मैग्नेटिक फील्ड बनाई है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने अंदर की तरफ बनाया है, और ये जो कंडक्टर मूव कर रहा है बेटा ये कंडक्टर किस तरफ मूव कर रहा है बेटा? टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी किस तरफ मूव करेंगे बेटा? वो भी टूवर्ड्स राइट मूव करेंगे। अब अगर ये कंडक्टर बेटा परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो इसके अंदर जो चार्जेस होंगी वो भी परपेंडिकुलर मूव करेंगी मैग्नेटिक फील्ड से। अब अगर ये चार्जेस परपेंडिकुलर मूव करेंगी बेटा तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी, और उस फोर्स का अब हम डायरेक्शन देखते हैं कि इनके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी बेटा। ठीक है, अब बेटा मैं एक और फिगर बनाता हूं जिसके ऊपर हम ये इस तरह से जो है वो देखते हैं कि ये फोर्स किस तरफ लगती है बेटा। ठीक है, सपोज करें बेटा ये वही कंडक्टर है जो हमने ऊपर बनाया इस तरह से, और ये बेटा एक नीचे वाला कंडक्टर है इस तरह से। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है मैं थोड़ी जगह पे बनाता हूँ इस तरह से सिर्फ इसको इंडिकेट करने के लिए डायरेक्शन, बाकी नहीं बनाता। यहाँ पे भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है लेकिन मैं इसको बना नहीं रहा क्योंकि अब हमने कंडक्टर के अंदर चार्जेस की मोशन लेनी है बेटा। ठीक है, वही कंडक्टर है बेटा। ठीक है, वो जब फर्स्ट पोजिशन बेटा ये इसकी फर्स्ट पोजिशन है ठीक है कंडक्टर की, और इसके अंदर आप समझ लें कि चार्जेस हर जगह पे फ्री चार्जेस मौजूद हैं बेटा इस तरह से, और ये यूनिफॉर्मली इस पूरे कंडक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। अब कंडक्टर जैसे मूव करेगा बेटा, कंडक्टर इस तरह मूव करेगा तो सब चार्जेस भी कंडक्टर के साथ मूव करेंगे। अब ये बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप इनको लिख लें भले कि ये बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्जेस होती है बेटा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। अब देखिए बेटा ये कंडक्टर जब इस तरह से मूव करता हुआ बेटा, ये कंडक्टर की वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और वेलोसिटी जो होती है बेटा ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है बेटा? बी के। ठीक है, ये वेलोसिटी बेटा परपेंडिकुलर टू बी है। अब ये कंडक्टर मूव करके जब यहां तक पहुंचेगा बेटा, जब इस जगह पे पहुंचेगा तो बेटा देखें चार्जेस का बिहेवियर क्या होगा। अब देखें ये कंडक्टर जब मूव करेगा तो इसमें मौजूद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगेगा बेटा? उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो मैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगती है उसके लिए हम बेटा यूज करते हैं राइट हैंड रूल, और ये इस तरह से हो जाएगी बेटा इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा अंदर की तरफ है, ये वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के साथ मूव करेंगे, ये वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, और ये बेटा इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो सब इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा इनके ऊपर जो फोर्स लगेगी ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बेटा डाउनवर्ड होगा, क्योंकि बेटा इस तरह देखे
कि इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे वाले हिस्से की तरफ आ जाएंगे इस तरह से, और नीचे वाला हिस्सा जो होगा बेटा ये आप कह सकते हैं बेटा, नीचे वाला पार्ट जो होगा ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फोर्स इन सब इलेक्ट्रॉन्स को बेटा पुश करेगी नीचे, पुश करेगी तो सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के नीचे की तरफ आ जाएंगे बेटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ऊपर वाला हिस्सा जो होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा, और नीचे वाला हिस्सा जो होगा ये क्या गेन कर लेगा बेटा, निगेटिव चार्ज गेन कर लेगा, ठीक है। और जो कंडक्टर पहले न्यूट्रल था बेटा, वो इस तरह से मोशन की वजह से इसके अंदर चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई और सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, जब सारे इलेक्ट्रॉन नीचे वाले हिस्से की तरफ आ गए तो ऊपर वाला हिस्सा क्या बन गया बेटा, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो बेटा ये देखें यहाँ पे बिल्कुल कैपेसिटर की तरह जो है वो एक किस्सा हो गया, कि जिस तरह से कैपेसिटर की बेटा एक हिस्सा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा हिस्सा बेटा निगेटिव होता है, तो कंडक्टर के अंदर भी यही हो गया। ये कंडक्टर बेटा, इस कंडक्टर का नीचे वाला हिस्सा निगेटिव चार्ज हो गया और ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। जैसे बेटा कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, बिल्कुल इसी तरह बेटा यहाँ पे इस कंडक्टर के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे चला गया, जो नीचे वाला हिस्सा है वो निगेटिव पोटेंशियल पे चला गया। तो बेटा इस कंडक्टर जो पहले न्यूट्रल था, मोशन की वजह से बेटा उसके अंदर चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई, और चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, और बिल्कुल इसी तरह से सिस्टम बन गया जिस तरह से बेटा एक कैपेसिटर के अंदर होता है, ठीक है। अब अगर बेटा हम इसको कनेक्ट करते हैं बेटा इस तरह से लोड ईएमएफ है बेटा, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों साइड पे बेटा, ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर बेटा, और ये बेटा निगेटिव पोटेंशियल हुआ बेटा, अब ये ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, सपोज करें ये 1 वोल्ट बना, 2 वोल्ट बना या 3 वोल्ट बना, क्योंकि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर ये 1 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट माना जाएगा, हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, ये डिपेंड करता है इसकी वेलोसिटी पे। जितना बेटा तेजी के साथ आप इसको मूव करवाओगे उतनी बेटा इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगी, क्योंकि बेटा ये जो चार्जेस नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं इनका रीजन होता है मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है बेटा, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर आप स्लो मूव करवाओगे तो बेटा थोड़ी फोर्स लगेगी और थोड़ी चार्जेस जो होंगी वो नीचे जाएंगी, और नीचे थोड़ी निगेटिव चार्ज बनेगी और ऊपर थोड़ी पॉजिटिव चार्ज बनेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो थोड़ा होगा। अगर आप इसको फास्ट मूव करवाएंगे तो बेटा जितना फास्ट मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और ज्यादा फोर्स लगेगी, और ज्यादा फोर्स लगने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आएंगे और ऊपर उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं बेटा कि इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं, तो जो मोशनल ईएमएफ जनरेट होगी वो डिपेंड किस पे करेगी बेटा, वो प्राइमरली डिपेंड करेगी वेलोसिटी पे, ठीक है बेटा।
क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी, और जितनी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी उतनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक साइड पे एक्यूमुलेट होंगी और उतनी ही पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पे डेवलप होगी। तो ये वेलोसिटी तय करेगी कि इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे ईएमएफ जो मोशनल जनरेट होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी। आपके बुक के अंदर कहा गया है बेटा कि जैसे जैसे इस तरह से कंडक्टर बेटा मूव करेगा, सपोज करें बेटा जैसे जैसे कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो बेटा मोशन की वजह से ये जो वेलोसिटी है इसकी वजह से ये जो चार्जेस होंगी बेटा, मैं सिर्फ दो तीन चार्जेस बनाता हूँ इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर बेटा जब ये इस तरह मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड मूव करेगी, और मैग्नेटिक फोर्स जब डाउनवर्ड मूव करवाएगी बेटा तो नीचे जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, निगेटिव चार्ज बढ़ती जाएगी बेटा, और जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ती जाएगी तो ऊपर से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपोजिशन बढ़ती जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं बेटा कि जब आप शुरू के अंदर इसको मूव करवाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन उसके बाद वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा स्लोली आएंगे, और नतीजा ये निकलेगा कि जैसे जैसे नीचे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको दो फोर्सेस लगेंगी बेटा, एक मैग्नेटिक फोर्स मोशन की वजह से नीचे लगेगी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इसको ऊपर लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए लगेगी क्योंकि अब यहाँ पे चार्जेस अक्यूमुलेट हो चुकी है, तो बेटा जैसे ही शुरू में चार्जेस इजीली आ जाएंगी लेकिन बाद में जो चार्जेस आएंगी वो थोड़ी मुश्किल से आएंगी, क्योंकि बाद में आने वाली चार्जेस को ये जो नीचे पहले से बेटा जमा चार्जेस होती हैं ये उनको अपोज करेंगी, और नतीजा इसका क्या निकलेगा कि अब इनको एक अपोजिशन आना शुरू हो जाएगी, और ये चार्जेस तब तक अक्यूमुलेट होती रहेंगी जब तक मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर नहीं हो जाती। इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती जाएगी जैसे यहाँ पे चार्जेस जमा होती जाएंगी, और मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है बेटा, वेलोसिटी पे। इसलिए अगर आप वेलोसिटी ज्यादा रखोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट होंगी, और अगर आप स्लो मोशन करवाओगे कंडक्टर की तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि कम मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और कम चार्जेस एक्यूमुलेट होंगी बेटा। तो बेटा ये बात एक तय हुई कि इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने का जो रीजन है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर है, और मोशन ऑफ द कंडक्टर भी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, अगर वेलोसिटी कम होगी तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगी बेटा, ठीक है। तो बेटा ये जो है वो कॉन्सेप्ट था मोशनल ईएमएफ का। एक बार बेटा मैं इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बेटा आते रहे हैं इसलिए इसको ध्यान से बेटा पढ़िएगा और समझिएगा कि मोशनल ईएमएफ का आप कह सकते हैं बेटा कि मोशनल ईएमएफ का मकसद होता है कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर हम मूव करवाते हैं तो वो कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है बेटा, कट करने का मकसद आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर कंडक्टर 0 या 180 डिग्री पे मूव नहीं करता, 180 और 0 के सिवा अगर किसी और एंगल पे मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा कट करना हम कहते हैं। तो ये कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो इसके कट करने की वजह से इसके अंदर मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेटा फोर्स लगती है, और नतीजा ये निकलता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स की वजह से वहां पे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती हैं। पहले ये रेंडम मोशन में थी लेकिन मैग्नेटिक फोर्स लगने के बाद ये चार्जेस सब एक ही डायरेक्शन में आ जाती है लाइक अ करंट, तो इस वजह से यहाँ पे बेटा एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है, और इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस की पोलराइजेशन हो जाती है, एक चार्जेस नेगेटिव एक साइड पे चली जाती हैं और पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पे चली जाती हैं,
और बिल्कुल कैपेसिटर की तरह इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं बेटा कि ये इमोशनल ईएमएफ है। अगर ये कंडक्टर एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्टेड होगा तो ये चार्जेस बिल्कुल करंट की तरह फ्लो करेंगी और एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट देगी। बेटा जनरेटर जो होता है उसको जब आप चलाते हो उसके अंदर भी मोशनल ईएमएफ बनती है, और जब आप जनरेटर को आपके घर के सर्किट के साथ जिसको एक्सटर्नल सर्किट कहा जाता है उसके साथ कनेक्ट करते हो तो उसके अंदर बनी हुई मोशनल ईएमएफ आपके घर की तरफ ट्रांसफर हो जाती है, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और नतीजा ये निकलता है कि घर के सर्किट के अंदर करंट जो है वो चलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स जो होता है वो पोटेंशियल क्रिएट करता है बेटा, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे आप कंडक्टर को मूव करोगे तो शुरू में इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ एक साइड पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद इनका रेट जो होगा वो स्लो हो जाएगा। रेट स्लो इसलिए हो जाएगा कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएंगे तो उनको नीचे कोई भी अपोजिशन नहीं होगी, लेकिन बाद में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनको जो पहले फर्स्ट फेज के अंदर अक्यूमुलेट हो चुके हैं वो बाद में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेंगे, और नतीजा ये निकलेगा कि बाद में इलेक्ट्रॉन की जो अक्यूमुलेशन होगा रेट वो स्लो से स्लो होता जाएगा, और जैसे जैसे हम मूव करवाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स उनके ऊपर बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स जो अपोजिशन वाली क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे जमा होते जाएंगे अब पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस आएगी। तो जैसे जैसे कंडक्टर मूव करता जाएगा अगर वेलोसिटी फिक्स होगी तो मैग्नेटिक फोर्स तो फिक्स होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फोर्स से अपोजिट आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो रिपल्शन होगी और रिपल्शन की फोर्स ऊपर होगी। तो नतीजा ये निकलेगा बेटा कि जैसे जैसे आप कंडक्टर को मूव करवाते जाओगे इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती जाएगी, जब इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ते बढ़ते मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगी फिर ये चार्जेस की मोशन रुक जाएगी और ईएमएफ कांस्टेंट हो जाएगी। उससे पहले ईएमएफ बढ़ रही थी, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होंगे तो वो ईएमएफ बेटा कांस्टेंट मानी जाएगी। अब ये कंडक्टर के साथ अगर कनेक्ट करोगे या इस कंडक्टर को दो हिस्सों में तकसीम कर दोगे तो एक हिस्सा निगेटिव बन जाएगा और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब बेटा ये जो पोटेंशियल, अब इस एंड्स को आप कह दें कि ये एंड ए है और ये एंड बी है बेटा, ठीक है, ये ए एंड कर दें और बी एंड कर दें बेटा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि ए एंड पॉजिटिव हो गया और बी एंड क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। इन दोनों के दरमियान बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा बिटवीन ए एंड बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ये ईएमएफ कहलाता है, इसको हम सिंपली वी कहेंगे, क्योंकि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आप इसको इस तरह से कहोगे बेटा वी वन वी ए माइनस बेटा वी बी को जीरो मानते हैं इसलिए सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा वी। तो आपको पता है बेटा ये पोटेंशियल वी इज इक्वल टू होगा बेटा वर्क पर यूनिट चार्ज, क्योंकि यहां पे बेटा मोशन की वजह से इन चार्जेस के ऊपर नीचे फोर्स लग रही है, और नीचे फोर्स लग रही है तो हम कहते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज होता है बेटा, और ये वर्क बेटा किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। बेटा आपके बुक के अंदर निगेटिव साइन यूज की गई है, निगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्ट बेटा नेचर ऑफ चार्जेस की वजह से इस्तेमाल की गई है, क्योंकि यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए बेटा यहाँ पे जो यूज किया गया है जो सिंबल यूज की गई है बेटा वो निगेटिव सिंबल इस्तेमाल की गई है बेटा। अब देखिए बेटा इसके ऊपर ये चार्ज बेटा फोर्स किसके ऊपर लग रही है, चार्जेस के ऊपर लग रही है, ये हो जाएगी बेटा क्यू वी डी साइन थीटा बेटा, ठीक है।
और इनटू बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा बेटा लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर अपान होगा बेटा क्यू, क्यू में कैंसिल हो जाएगा, ये बेटा वी हो जाएगा इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा मोशनल ईएमएफ का फार्मूला, या आप ये भी कह सकते हैं इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा बेटा कि ये वी जो है ये किसको जाहिर करता है बेटा, मोशनल ईएमएफ को या पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये वी जो है बेटा ये वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर को जाहिर करता है। इसका मकसद है बेटा मोशनल ईएमएफ तीन चीजों पे, चार चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा मोशनल ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन बेटा, मोशनल ईएमएफ बेटा डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, इसके फैक्टर्स होंगे बेटा एक वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर बेटा, कंडक्टर जितनी वेलोसिटी के साथ ज्यादा के साथ मूव करेगा बेटा उतनी ज्यादा होगी, और दूसरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड बी, बी की स्ट्रेंथ बेटा जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा होगी बेटा, तीसरा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर बेटा। ठीक है, और चौथा बेटा ये डिपेंड करता है एंगल पे बेटा। ठीक है, और ये एंगल किसके दरमियान बेटा, वी और बी के दरमियान, एंगल बिटवीन वी एंड बी बेटा। ठीक है, क्या आप कर सकते हैं बेटा कि जो एंगल है बिटवीन वी एंड बी बेटा, एंगल बिटवीन वी एंड बी पे डिपेंड करता है बेटा। अगर आप मैक्सिमम करें बेटा तो ये मैक्सिमम ईएमएफ कब बनेगी बेटा, मैक्सिमम ईएमएफ बनेगी बेटा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा बेटा वी इज इक्वल टू वी बी एल होगा, और मिनिमम या जीरो बेटा, मिनिमम और जीरो तब बनेगी बेटा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो बेटा मोशनल ईएमएफ जीरो बनेगा। तो बेटा ये ध्यान में रखिएगा कि मोशनल ईएमएफ जो होती है वो डिपेंड करती है चार फैक्टर्स पे, वेलोसिटी पे, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे, लेंथ पे, और एंगल बिटवीन वी एंड बी पे बेटा। तो ये हुई हमारे पास बेटा मोशनल ईएमएफ, और आप इसको मोशनल ईएमएफ को इस तरह से देख सकते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एसी जनरेटर है, जो आज कंप्लीट होगा नहीं, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको कल डिस्कस करेंगे, नेट का भी इशू आ रहा है, कल डिस्कस करेंगे।